नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं ये देखिए नाग चंपा मैंने लिया है। आज मैंने नर्सरी से ये नाग चंपा खरीदा है। वैसे तो मेरे पास कोई चंपा नहीं है। पिछली बार मैंने एक जो ऑर्डिनरी चंपा सबके यहाँ लगी होती है उसको पिछली बार उसकी कटिंग लगाया लेकिन वो चली नहीं, फेल हो गई पता नहीं किस कारण से। और इस बार मैं सोचती रही लेकिन अभी तक नहीं, लेकिन मौके से मैं गई थी तो मुझे ये मिल गया तो मैंने सोचा कि लाओ उसको लगा लेते हैं, ले लेते हैं, मुझे अच्छा लगा। इसका नाग चंपा इसलिए नाम है क्योंकि इसकी पत्तियां देखिए नाग के फन की तरह हैं और बाकी सारा नेचर तो उसका चंपा की तरह ही है देखिए। और ये देखिए इसमें पंच में फूल आते हैं, देखिए कलियां हैं। अभी तो ये नया पौधा है तो इसमें एक ही पंच बना हुआ है। इसमें भी दो डाल है तो इसमें भी देखिए कुछ लग रहा है कि बन रहा है। तो रही इसकी मिट्टी की बात, तो इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है। आप 40% गार्डन सॉइल, 40% रेत या बालू और 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें, मिलाया हमने। और इसमें थोड़ा सा बोन मिल और नीम की खली मिलाई है। और इसको पानी की रिक्वायरमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा पानी ना खड़ा ही रहे कि भरा रहे और ना एकदम मिट्टी सूखी ही रहे, कुछ गीला रहे। और ये हीट लविंग प्लांट है, इसको गर्मी बहुत पसंद है। जितना ही धूप होगी उतना ही ये पौधा अच्छा चलेगा और इसमें फूल आएंगे। ये सालों साल खिलने वाला, साल भर इसमें फूल आते रहते हैं। जाड़े में थोड़ा कम हो जाते हैं लेकिन गर्मी जितनी होगी उतना ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये पौधा, लेकिन उस वाली चंपा के फूल में महक होती है खुशबू, इसमें खुशबू नहीं होती, बस खाली ये खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके फूल खूबसूरत होते हैं और उससे ज़्यादा इसकी पत्तियाँ खूबसूरत होती हैं, इसलिए इसको पसंद किया जाता है। और ये रखने की बात कहाँ रखा जाए, तो इसको जो है जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो इसको आप वहाँ पे रखिए, तब ये प्लांट ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा अच्छे से चलता है। दोस्तों ये देखिए, आज मैंने 4 पौधे खरीदे, एक मोर पंखी, क्योंकि मोर पंखी मेरे पास एक ही थी तो लोग कहते हैं कि जोड़ा लगाना चाहिए, तो एक खरीदा। और ये मेरे पास येलो कलर का बोगनवेलिया नहीं था तो मैंने बोगनवेला का एक येलो कलर का, ये देखिए इसमें फूल आए हैं, आ रहे हैं, इसको भी मैंने लगाया। और रेड वाला तो मेरे पास था पहले से ही जिसका कि मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन आज की वीडियो मेरी विशेषकर चंपा पे थी। हमारे पिताजी एक कहावत कहते थे कि है गुलाब फूलों का राजा, लिली फूल की रानी, चंपा है फूलों की देवी, सुंदर सुगंध सुहानी। तो मुझे चंपा देख के उनकी याद आ रही है और उनकी ये कहावत याद आ रही है। दोस्तों ये देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है इसका पत्ता, ये देखिए। और पत्ते ऐसे झुके रहते हैं, ऑर्नामेंटल, देखिए। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को मेरे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्ते, गुड बाय।